सब्सक्राइब कीजिए यूथ ग्लोबल नेटवर्क को और हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इनको क्या लगता है? इनको लगता है कि किसी को देशद्रोही कह देंगे, किसी को पाकिस्तानी कह देंगे, किसी को नक्सली कह देंगे, किसी को आतंकवादी कह देंगे, तो इससे हम डर जाएंगे। इनको क्या लगता है कि कुछ लोगों पर ये गोलियां चला देंगे, कुछ को जेल में डाल देंगे, कुछ लोग परेशान होकर के आत्महत्या कर लेंगे, तो इनसे हम डर जाएंगे। सुनो, जो डरा हुआ होता है वो डराता है। हम डरे हुए नहीं हैं, इसीलिए डराते नहीं। जो डरा हुआ होता है वो डराता है, हमें किसी बात का डर नहीं है। और डर का एक मनोविज्ञान आपको बता देते हैं। डर की अपनी सीमा होती है, जैसे दर्द की अपनी सीमा होती है। मैंने मेहनत किया है खेत में, इसलिए मैं आपको बताता हूं कि एक ही जगह पर अगर बार बार जख्म होता है तो फिर जख्म में दर्द होना बंद हो जाता है। और रही बात डर की, कब तक डराओगे, कितना डराओगे, खौफ के आधार पे क्या बनाओगे, खौफ ज्यादा इंसानों को लेकर के कैसे विकसित भारत बनाओगे? क्या खौफ ज्यादा इंसानों को लेकर के विकसित भारत बनाया जा सकता है? और ये डराने की राजनीति क्या है? ये डराने की राजनीति ये है कि सम्राट ने जो कहा वो कानून है, रानी को जो पसंद है वही कला है, और राजघराने का जो चरित्र है वही समाज का चाल और चरित्र होता है। एक बात उनको याद दिलाना चाहते हैं, और इस बात के लिए हम मध्य प्रदेश की पुलिस को और इंदौर की पुलिस को कोटि कोटि धन्यवाद कहते हुए कहना चाहते हैं। इस देश में पीछे जो तस्वीरें लगी हुई है इनकी कुर्बानियों से, और आज भारत छोड़ो आंदोलन का वर्षगांठ है, आज विश्व आदिवासी दिवस है, पीछे बिरसा मुंडा की तस्वीर लगी हुई है, तंतिया भील की तस्वीर लगी हुई है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर लगी हुई है। यह जो लड़ाई लड़ी गई अंग्रेजों के खिलाफ, उस लड़ाई को जीता गया, उसके बाद यह तिरंगा झंडा आज हमारे लाल किला पर फहरा रहा है। जो लड़ाई लड़ी गई, उस लड़ाई और संघर्ष की बदौलत ही दुनिया का एक उम्दा दस्तावेज तैयार किया गया जिसे हम भारतीय संविधान कहते हैं, और उस संविधान का असर आज भी है, उसी का नतीजा है राष्ट्रपति आपका, उपराष्ट्रपति आपका, प्रधानमंत्री आपका, मुख्यमंत्री आपका, फिर भी इंदौर में कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम इसलिए कर रहे हैं कि पुलिस शिवराज जी का कसम नहीं खाते, भारतीय संविधान का कसम खाते, और भारतीय संविधान हमको इस बात का इजाजत देता है कि बेबाकी से हम अपनी बात कह सकें, और उनके ऊपर संविधान का यह प्रावधान है, यह जिम्मेदारी है, यह दायित्व है कि ये उस बातचीत को शांतिपूर्वक कंडक्ट करवा रहे हैं। इसीलिए ये बार बार कोशिश करते हैं कि संविधान को बदल दिया जाए। अगर संविधान बदल दिया जाएगा और शाह जी का कहा हुआ ही कानून होगा तो ध्रुव सक्सेना को मध्य प्रदेश पुलिस पकड़ करके जेल में नहीं डालती। ध्रुव सक्सेना को मध्य प्रदेश की पुलिस ने पकड़ करके इसीलिए जेल में डाला क्योंकि वो कानून से बंधे हुए हैं, और उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए जासूसी की। कोई नई बात नहीं है, यही करते रहे हैं। ये पहले ये अंग्रेजों की जासूसी करते थे, आज ये पाकिस्तान की जासूसी कर रहे हैं, और बहुत ही चालाकी से इन्होंने हमारे प्रतीकों, निशानों, चिन्हों, संस्कृति, इतिहास, विरासत को कब्जाने की कोशिश की है। लेकिन कहते हैं हमारे यहां कुत्ते को घी नहीं पचता है।
कहते हैं कि कुत्ते को अगर घी की रोटी खिला दीजिए तो उसका सारा बाल निकल जाता है और उसका असली रंग, चमड़े का असली रंग सामने आ जाता है। सत्ता में आए हैं, बैठे हैं, अपना चाल चरित्र दिखा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इस देश के कुछ लोग ऐसे हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं। आइए आपसे बहस करते हैं कि कौन देश को तोड़ना चाहता है। भारत का संविधान, उसकी प्रस्तावना और उसका प्रथम वाक्य क्या कहता है, सबको याद होगा, हो सकता है कि इनको ना याद हो। प्रथम वाक्य है अंग्रेजी में वी द पीपल ऑफ इंडिया और हिंदी में हम भारत के लोग। कहां संविधान कहता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? संविधान कहता है, संविधान एक बार भी बोल रहा है, इस देश के मुसलमानों को डरा करके, भीड़ द्वारा उसकी हत्या करवा करके, इसी देश में उसको द्वयम दर्जे का नागरिक बना करके रखा जाए और हिंदू राष्ट्र की स्थापना की जाए, संविधान कहता है क्या? कौन देश को तोड़ रहा है? कौन इस देश के संविधान को नहीं मानता है? कौन को किसको इस देश की परंपरा और इतिहास और विरासत पर भरोसा नहीं है? यह बहस करने वाली बात है और यह बहस होने नहीं देना चाहते हैं। अगर बहस होगी, बात चलेगी तो दूर तलक जाएगी और पूछा जाएगा कि आरएसएस का कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो फांसी पर चढ़ा है, उसका नाम बताओ। और यहां मैं अजय कानगू साहब के साथ आया था, उनके पिताजी पेरिन दाजी यहां बैठी हुई हैं, होमी दाजी, अजय लागू साहब, उन्होंने इंदौर शहर को बनाने में अपनी कुर्बानी दी है, खून पसीना बहाया है इस शहर को बनाने के लिए। और जानते हैं चौराहा किसके नाम पे है? वीर सावरकर के नाम पे। किस बात के वीर सावरकर हैं? वीर कौन होता है आप ही बताइए। जो अंग्रेजों से माफी मांगता है वो वीर होता है, जो हंसते हंसते फांसी पर झूल जाता है वो वीर होता है? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बहस करेंगे, इतिहास पर बहस करेंगे, संस्कृति पर बहस करेंगे, आपके हिंदू राष्ट्र के विचारों पर बहस करेंगे। आपको मालूम है कि हिंदू धर्म क्या है? कितना जानते हैं आप अपने ही प्रतीकों को? भगवा रंग लेकर के आए थे आज, उनको पता है भगवा रंग का इतिहास क्या है? इस देश में किन लोगों ने भगवा रंग को उठाया है और भगवा रंग किसका प्रतीक है? हमारे तिरंगे में भी एक रंग है जो भगवा है। भगवा रंग वीरता का प्रतीक है, कायरता का प्रतीक नहीं है। और माफी मांगने वाला वीर नहीं हो सकता है, और उसके जो विरासत को लेके आगे बढ़ने वाले हैं वो तो कतई वीर नहीं हो सकते हैं। कहते हैं बाप ही पूत पड़ापित घोरा, नहीं कुछ होता थोरबो थोरा। जिसके पुरखे ही वीर नहीं हो उनके बच्चे क्या वीर होंगे? है हिम्मत है साहस, करोगे बहस? कहां बहस करना चाहते हो? तुम्हारे विचारों पर बहस करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं तुमसे। दोगे हमारे सवालों का जवाब? क्या जानते हो तुम हिंदू धर्म को? भगवा रंग इस देश में संत तुकाराम की परंपरा का रंग है, और ये इंदौर है जिसको मिनी हिंदुस्तान कहा जाता है, मराठों का राज रहा है यहां पे। संभाजी महाराज का रंग भगवा था, शिवाजी महाराज का रंग भगवा था, और उस भगवे रंग को अगर आप दूसरे धर्मों में भी ढूंढेंगे तो सत्य और अहिंसा का प्रतीक बुद्धिज्म का रंग भगवा है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। वैष्णवों का रंग भगवा है, और वैष्णव के बारे में क्या कहते हैं? वैष्णव जनते तेने कहिए पीर पढ़ाई जाने रहे। जो भगवा रंग लेकर के गर्भवती महिलाओं के बच्चे का पेट चीर करके उसके बच्चे को तलवार से काट देते हैं, वो कैसे वैष्णव हैं और ये उनकी कौन सी अहिंसा है, ये कौन सा भगवा रंग है, ये सवाल मैं उनसे पूछना चाहता हूं। आपने इस देश के इतिहास को, इसकी विरासत को, इसकी संस्कृति को ना सिर्फ इस देश में बल्कि पूरी दुनिया में बदनाम किया है। आज लोग हमसे पूछते हैं कि क्या हो गया है हिंदुस्तान में। मैं जेएनयू का विद्यार्थी हूं, 147 देश के विद्यार्थी हमारे यहां पढ़ते हैं, इनके लिए वो देशद्रोही है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति ने उसको बेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड दिया है इस साल का।
और इस यूनिवर्सिटी में सवाल पूछा जा रहा है कि इस देश को हुआ क्या है। पूरी दुनिया में गाय घास खाती है, यहां गाय के नाम पे लोग इंसान खा रहे हैं। माता क्या होती है? माता क्या जानते हो तुम माता के बारे में? यशोदा को मालूम था कि कृष्ण उसके बेटा नहीं है, लेकिन वो देवकी से ज्यादा लार प्यार यशोदा कृष्ण को करती थी। और तुम माता का नाम लेकर के किसी के पुत्र को मार दे रहे हो? जिसके पुत्र को तुम मार रहे हो उसकी माता नहीं है क्या? और क्या वो भारत माता नहीं है? ये सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। क्या नजीब की मां भारत माता नहीं है? क्या रोहित बेमुला की मां भारत माता नहीं है? क्या जुनैद और पहलू की मां भारत माता नहीं है? और मंदसौर में जिन किसान के बच्चों को मार दिया गया उनकी मां भारत माता नहीं है? ये हिंसा प्रतीकों के नाम पे, भगवा रंग के नाम पे, गाय के नाम पे, हिंदू धर्म के नाम पे, क्या जानते हो हिंदू धर्म के बारे में तुम? हिंदू धर्म में जिस व्यक्ति का नाम लेते हो तुम राम का, तुमने ठीक से राम को भी नहीं पढ़ा है। तुम राजपाट के लिए कुछ भी कुकर्म करने को तैयार हो। और भगवान राम ने अपने भाई के लिए, सौतेले भाई के लिए राजपाट छोड़ करके 14 साल के वनवास में चले। राजपाट हासिल करने के लिए राम का नाम लेना, ये राम को बदनाम करने वाली बात है। और ये राम के हैं भी नहीं, जो राथू राम के होंगे वो राम के क्या होंगे? जो नाथू राम के होंगे वो भगवान राम के हो ही नहीं सकते। और इसीलिए आज जब इनको अपना इतिहास, अपनी पोल पट्टी खुलती हुई दिख रही है, तो ये राष्ट्र का नाम लेने लगे हैं और ये देशभक्ति की बात करने लगे हैं। मैं इनको एक बात कहना चाहता हूं कि सुन लो, भक्ति तो हम भगवान की करते हैं, भक्ति माँ बाप की करते हैं, भक्ति जो हमको ज्ञान देते हैं उस ज्ञानदाता की करते हैं, और भक्ति जो हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं उस अन्नदाता को करते हैं, भक्ति हमको जो कन्या देती है उस कन्यादाता को करते हैं। यह भक्ति की परंपरा है। तुम किसकी भक्ति कर रहे हो? मोदी जी की? कौन से अवतार हैं? कौन से अवतार हैं और क्यों उनकी भक्ति कर रहे हो? देश जो है वो प्यार करने की चीज है। और प्यार और भक्ति में एक बात समझ लीजिएगा, भक्ति में हमेशा ऊंच नीच होती है, कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है। देश और देशवासी के बीच में ऊंच नीच का संबंध नहीं होता है, बराबरी का संबंध होता है। इसीलिए मैं अपने आप को हमेशा देशभक्त की बजाय देश प्रेमी कहलाना पसंद करता हूं, क्योंकि प्रेम हमेशा बराबरी की बुनियाद पर खड़ी होती है। और हमारी जो देश की संकल्पना है उसमें यही बात कहा गया है कि देश देश के लोगों से बनता है। और जब देशभक्ति का विमर्श इस देश में है और जब हम इस बात को संविधान से मानते हैं कि देश देश के लोगों से बनता है, तो जब देश के लोग मर रहे हैं ठीक उसी वक्त राष्ट्रवाद का बहस क्यों खड़ा किया गया है? क्योंकि ना इनको देश में भरोसा है ना देश के लोगों में भरोसा है, इनको सिर्फ और सिर्फ पीएमओ की गद्दी में भरोसा है। इसीलिए इस पूरे बहस को, विमर्श को भटकाने की कोशिश की जा रही है।